हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक विद अनदर वीडियो। आप देख रहे हैं टेक फ्यूल और मैं आपका दोस्त लकी। तो दोस्तों कैसे हो? आई होप ऑल आर गुड, सब बढ़िया, मजे में, एंजॉय। और ऐसे ही आप लोग इस्माइल करते रहा करो यार, अच्छा लगता है। दोस्तों क्या आप एक पावर बैंक ढूंढ रहे हैं इस टाइम में? क्योंकि दोस्तों अभी का टाइम ऐसा है कि सबका वर्क फ्रॉम होम चल रहा है, लोग इजीली घर से बाहर नहीं निकलते। लेकिन दोस्तों एक दिक्कत आती है वहाँ पे कि स्मार्टफोन बहुत जल्दी वहाँ पे बिंग हो जाता है। वैसे दोस्तों आपकी स्मार्टफोन और ज़्यादा स्मार्ट हो गई है, बैटरी बहुत ज़्यादा आने लगी है। इवन 5000 mAh, 6000 mAh, 7000 mAh की बैटरी आती है। लेकिन दोस्तों हमारी भागदौड़ रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इतने व्यस्त हो जाती है कि हमें फ़ोन चार्ज करने का इन सब पे ध्यान ही नहीं होता। फिर जब ऐसे टाइम पे ध्यान आता है, हमारी फ़ोन की लग चुकी होती है, बैटरी बंद हो चुकी होती है और हम कहीं फंसे होते हैं, ऐसे टाइम में एक ही चीज़ याद आती है कि काश हमारे पास पावर बैंक होता। तो यहाँ पे दोस्तों मैं कुछ ऐसी बेस्ट पावर बैंक बताने वाला हूँ जो कि 20,000 mAh की एकदमदार बैकअप के साथ आती है। 20,000 mAh या 1000 से 1500 रुपये, इसी रेंज में आने वाले बेस्ट पावर बैंक जो कि इस टाइम ले सकते हैं। वैसे दोस्तों इन सारे प्रोडक्ट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दिया है, तो वीडियो एंड तक देखने के बाद वहाँ से जाकर डायरेक्ट परचेज कर सकते हो, चार्जेस के बारे में और जानकारी ले सकते हो और भी ज़्यादा एक्सप्लोर कर सकते हो। तो दोस्तों आप अगर चैनल पर पहली बार हो, चैनल सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें यार, ताकि फ्यूचर में जब भी टेक रिलेटेड वीडियो अपलोड करें सबसे पहले आप तक पहुँचे और आप हमेशा अप टू डेट रहे। दोस्तों ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, चलते सीधा वीडियो की तरफ और देखते हैं कौन कौन से बढ़िया दासू पावर बैंक का हमारे वीडियो की मैं 20,000 mAh पावर बैंक के साथ आते हैं। काफ़ी बढ़िया स्पेसिफिकेशन इनकी। दोस्तों इससे पहला पावर बैंक है ये हमारा शाओमी की तरफ से वाला शाओमी MI पावर बैंक 3i, जो कि दोस्तों शाओमी की तरफ से वाला काफ़ी बढ़िया है, लेटेस्ट में लॉन्च हुआ पावर बैंक है। बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रिव्यू है, बहुत ज़्यादा सेलिंग फोटोग्राफी से एक है जो कि काफ़ी बढ़िया है, जिससे बैटरी बैकअप से लेकर एवरीथिंग में काफ़ी बेस्ट है। MI पावर बैंक 3i में 20,000 mAh की क्षमता दी गई है, जिसके जरिए स्मार्टफोन को एक बार से ज़्यादा बार चार्ज किया जा सकता है। यह पावर बैंक स्मार्टफोन को तेजी से चार्ज करने के लिए इसमें 2-way 18-watt फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है। और अन्य फीचर्स की बात करें तो इसमें आपको ट्रिपल पोर्ट आउटलेट दिया गया है, जिसमें 2 Type-A और Micro USB Type-C पोर्ट भी लग सकता है। इसमें एक साथ 3 डिवाइस को कनेक्ट किया जा सकता है। यह भारतीय बाजार में बेस्ट पावर बैंक में से एक है। सिक्योरिटी की बात करें तो MI पावर बैंक 3i में सर्किट प्रोटेक्शन के 12 लेयर लगे हुए हैं और पावर प्रोटेक्शन मैनेजमेंट भी दी गई है। चार्जिंग सपोर्ट की बात की जाए तो पावर बैंक को 6.9 घंटे में तकरीबन फुल चार्ज किया जाता है। 20,000 mAh है तो चार्जिंग टाइम में भी ज़्यादा टाइम लगेगा, तकरीबन आपका 7 घंटा लग सकता है चार्ज होने में। लेकिन दोस्तों एक बार चार्ज होता है तो आपके फ़ोन को कम से कम 4 से 5 बार भी चार्ज कर सकता है, जो कि पावर बैकअप के मामले में काफ़ी बढ़िया है। सर्किट प्रोटेक्शन है जो कि जल्दी आपका फ़ोन ख़राब नहीं होगा, इससे ब्लास्ट नहीं करेगा और चार्जिंग हीटिंग की दिक्कत नहीं आएगी, बैटरी ख़राब नहीं होगी। तो एक बेहतरीन पावर बैंक है, इसको ले सकते हो, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है। अब दोस्तों बढ़ते हैं अगले की तरफ। अब ये हमारा UBN की तरफ से वाला 18 वाट का फास्ट चार्जिंग पावर बैंक, जो कि 20,000 mAh का आता है। UBN की तरफ से ये 18 वाट के फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है, जो कि काफ़ी बढ़िया और लेटेस्ट में काफ़ी अच्छी टेक्नोलॉजी यूज़ की गई है इसके अंदर। UBN 20,000 mAh 18 वाट फास्ट चार्जिंग पावर बैंक में आपको 20,000 mAh की पावर बैटरी दी गई है, जिसके जरिए से आप 3000 mAh वाले बैटरी स्मार्टफोन को 4 से 7 बार चार्ज कर सकते हैं, जो कि काफ़ी बढ़िया है। 4000 mAh की बैटरी को 3.5 बार चार्ज कर सकते हैं और यह पावर बैंक स्मार्टफोन को तेजी से चार्ज करने के लिए 2-way 18 वाट फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है। अन्य फीचर्स की बात की जाए तो USB आउटपुट और एक Type-C पोर्ट 18 वाट के चार्जिंग को सपोर्ट करती है और भारतीय बाजार में 20,000 mAh क्षमता वाले पावर बैंक BIS सर्टिफाइड है और सर्किट प्रोटेक्शन की 12 लेयर दी गई है। डिज़ाइन की बात की जाए तो इसमें कार्बन फाइबर टेक्सचर फिनिशिंग के साथ सिलिक डिज़ाइन दिया गया, जो कि काफ़ी बढ़िया है। लुक से लेकर डिज़ाइन वगैरह में कहीं से भी कंप्रोमाइज़ नहीं की, एक बेहतरीन पावर प्रोटेक्शन है, प्लस 18 वाट के फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है, जो कि काफ़ी अच्छा है। तो यहाँ पे आपको जल्दी जल्दी फ़ोन चार्ज भी हो जाएगा, जो कि काफ़ी अच्छा और बेहतरीन सर्किट प्रोटेक्शन है इसमें। तो काफ़ी बढ़िया पावर बैंक है, इसको भी ट्राई कर सकते हो, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है। अब दोस्तों बढ़ते हैं अगले की तरफ। अगला हमारा रेडमी की तरफ वाला वो शाओमी MI का था, ये रेडमी की तरफ वाला रेडमी का 20,000 mAh पावर बैंक, जो कि काफ़ी बढ़िया है, एक बेहतरीन स्पेसिफिकेशन है इसकी भी, एक दमदार बैकअप है। यहाँ पे दोस्तों रेडमी 20,000 mAh पावर बैंक में आपको 20,000 mAh की बैकअप दी गई है, जिसके जरिए 3000 mAh की बैटरी को तकरीबन 4 बार चार्ज कर सकते हैं और 4000 mAh बैटरी को करीबन तकरीबन 3.5 बार चार्ज कर सकते हैं। यह पावर बैंक स्मार्टफोन को तेजी से चार्ज करने के लिए 2-way 18 वाट फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है, जिसके जरिए एक साथ 2 डिवाइस चार्ज किया जा सकता है। अन्य फीचर्स की बात की तो USB आउटपुट और Type-C 18 वाट चार्जिंग का पोर्ट दिया गया है। सेफ्टी की बात करें तो इस पावर बैंक में हमको सर्किट प्रोटेक्शन की 12 लेयर दी गई है, यह शॉर्ट सर्किट, ओवर करंट, ओवर वोल्टेज और ओवर हीटिंग से भी आपको सुरक्षा प्रदान करेगा। ओवर चार्जिंग और डिस्चार्ज सुरक्षित रहती है। और डिज़ाइन की बात की जाती है, एंटी स्लिप टेक्सचर दिया गया है, जो कि इसमें मजबूत पकड़ बनता है। चार्जिंग करते समय पावर बैंक 18 वाट के अडैप्टर की मदद से महज 6.5 घंटे में फुल चार्ज कर सकते हैं,
जो कि काफी बढ़िया। आपके पास अगर सुपर फास्ट चार्जर है जो कि कैसे डॉट चार्जर कह लो या क्यूब थ्री चार्जर कह लो, वो सब इसमें लगाते हो काफी बढ़िया, बहुत जल्दी चार्ज हो जाएगा खुद को और उसी हिसाब से आपका फोन को भी अच्छे से चार्ज करेगा, जो कि काफी बढ़िया स्पेसिफिकेशन है। बैटरी बैकअप में काफी अच्छी है, सर्किट प्रोटेक्शन है, इससे आपका फोन खराब नहीं होगा किसी तरह से पावर हीटअप की बैकअप या इस ऐसी कोई दिक्कत होती है या ब्लास्टिंग की दिक्कत होती है, शॉर्ट सर्किट की दिक्कत होती है, वहाँ पे ऐसी समस्या नहीं करेगा, जो कि काफ़ी बढ़िया पावर बैंक है। तो इसको भी ले सकते हो, इसका भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है। अब दोस्तों बढ़ते अगले की तरफ, अगला मास सिस्का की तरफ से आ रहा, सिस्का का 20,000 mAh पावर बैंक, जो कि दोस्तों सिस्का की तरफ से आ काफ़ी बढ़िया प्रोडक्ट है। सिस्का का प्रोडक्ट इंडिया में इस टाइम बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, बल्ब तो ऐसे पॉपुलर थी लेकिन लाइफ स्टाइल प्रोडक्ट भी बहुत ज़्यादा इसकी चलने लगी है। सिस्का का 20,000 mAh पावर बैंक आपको 20,000 mAh की क्षमता दी गई है, जो कि 10 W के फास्ट चार्जिंग के साथ आता है, जिसमें डुअल USB चार्जिंग पोर्ट दिए गए हैं जिसके जरिए एक साथ दो डिवाइस को चार्ज किया जा सकता है। इसके अलावा सिस्का का यह 20,000 mAh पावर बैंक ABS प्लास्टिक एक्सेसरी और टेक्सचर फिनिश के साथ आता है, कॉम्पैक्ट फॉर्म फैक्टर में से एक है, इसके जरिए इसे आसानी से चलाया जा सकता है। इसमें एक LED कंडक्टर भी दी गई है जो कि पावर बैंक की परत को दर्शाता है। चार्जिंग के समय की बात की जाए तो यह पावर बैंक महज 10 घंटे में फुल चार्ज हो सकती है और सिस्का दावा करती है कि जिसके जरिए 3,000 mAh वाले फ़ोन को 4 से 3 बार चार्ज कर सकती है, जो कि काफ़ी बढ़िया है। 4,000 mAh बैटरी वाले को फ़ोन को 3.5 बार चार्ज सकती है, लेकिन काफ़ी बढ़िया है मेरे को ये भी लगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पे देखने वाली बात है, यहाँ पे भी 20,000 mAh की पावर बैंक है और सारे सर्किट प्रोटेक्शन दिए गए हैं, जो कि ये भी काफ़ी बढ़िया है, इसको भी ट्राई कर सकते हो, इसका भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है। अब दोस्तों बढ़ते अगले की तरफ, अगला हमारा एम्ब्रीना की तरफ से, एम्ब्रीना का 20,000 mAh पावर बैंक मेड इन इंडिया कह लो, इसका इंडिया के अंदर बहुत ज़्यादा पॉपुलर है पावर बैंक इसका और बहुत पॉजिटिव रिव्यू रही है इसकी, और इसमें बहुत सारी वैरायटी अवेलेबल है इसके। एम्ब्रीना 20,000 mAh पावर बैंक में आपको 20,000 mAh की क्षमता दी गई है, जो कि 12.5 W के फास्ट चार्जिंग में सपोर्ट करती है, जिसमें डुअल USB चार्जिंग पोर्ट दिया गया है, जिसके जरिए से एक साथ दो डिवाइस को चार्ज किया जा सकता है। कंपनी का दावा यह है कि पावर बैंक Xiaomi, Samsung, Oppo, Vivo और OnePlus समेत 0 से 60% में सिर्फ 35 मिनट में कर सकती है। इस पावर बैंक को फुल चार्ज होने में क्विक चार्ज पोर्ट के जरिए महज 8.5 घंटे का समय लगता है, जिसमें एक LED इंडिकेटर भी दी गई है जो कि पावर बैंक की पावर को दर्शाता है। यह पावर बैंक एक साथ दो डिवाइस को चार्ज कर सकता है। डिज़ाइन की बात करें तो पावर बैंक है आपको रगड डिज़ाइन, मेटल बॉडी और मैट फिनिश टॉप दिया गया, जो कि मेरे को काफ़ी बढ़िया लगा। डिज़ाइन के मामले में काफ़ी बढ़िया डिज़ाइन है, रफ टफ डिज़ाइन दिया गया जो कि जल्दी ख़राब नहीं होती है, टफ डिज़ाइन है इसका। अदरवाइज दोस्तों बैटरी बैकअप काफ़ी अच्छी मिल जाएगी यहाँ पे, यह किसी भी स्मार्टफोन को जो फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है 35 मिनट में 60% चार्ज कर सकता है, जो कि काफ़ी बढ़िया है। बैकअप के मामले में काफ़ी अच्छा है, लेकिन जैसे 6 से 7 घंटे चार्ज करने का टाइम लग जाता है इसको, तो आप अगर फुल चार्ज करके इसको कैरी करते हो तो काफ़ी बढ़िया है आपके लिए, इमरजेंसी में पावर बैकअप की अच्छी खासी हेल्प कर देगा। तो दोस्तों यह थी मेन नज़र आने वाले बेस्ट पावर बैंक, जो कि आप 20,000 mAh के है, सारे के सारे दमदार स्पेसिफिकेशन, फास्ट चार्जिंग के साथ आने वाले पावर बैंक है, जो कि काफ़ी बढ़िया है। तो कैसे लगे ये पावर बैंक हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और दोस्तों साथ ही साथ मैं कुछ एक्स्ट्रा पावर बैंक का भी लिंक डाल दूंगा, जो कि मैं इस वीडियो में नहीं बता, वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी तो उसको भी चेक जरूर कर लेना। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब करके मैं सपोर्ट करें। तो दोस्तों बस इस वीडियो में इतना ही, इजी हमें इजाजत मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।